सबसे पहले हम यहाँ थोड़े काजू, ड्राई फ्रूट्स, आपको जो भी डालना है, टूटी फ्रूटी, और ये सभी हम यहाँ थोड़ा सा मैदे में ऐसा कोट कर देंगे। अब हम मैदे को यहाँ लेकर छान लेंगे और छानते समय इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर हमने तेल, पिसी हुई शक्कर ले ली है, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको आपको 10 मिनट तो अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हम मिलाएंगे एसेंस। एसेंस आपने 15 से 20 बूंद ले लेना है और अंडे ले लेना है। अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमने अच्छे से फिर से इन सबको एक साथ मिक्स करना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अभी मैदा यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें हम थोड़ा तेल लेके उसको अच्छे से अपने क्लिप टिन में लगा देंगे। उसके बाद थोड़ा सा मैदा लेंगे और उसके बाद हम पैक करते हुए बर्तन में। ऐसे पूरा लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा का है उसको झटक देंगे। आप इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं अगर आपके घर में बटर पेपर हो तो। अब हमारा ये जो बैटर है इसमें हम काजू किशमिश और ये चेरीज वगैरह जो है वो इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हमने काजू और जो चेरी या ड्राई फ्रूट्स को मैदा लगा के रखा था ताकि वो अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो वो नीचे ही दब जाएगा। अब हम इसको केक टिन में डालेंगे। आपको 3/4 ही इसमें भरना है। थोड़ा सा फिर से मैंने टैप कर देंगे ताकि जो एयर बबल्स होंगे उसके अंदर वो निकल जाए और हमारा केक अच्छे से बने। यहाँ हमने पहले ही कुकर को प्री हीट करने रख दिया था 10 मिनट पहले। अब हम इसके अंदर केक टिन हमारा उतार के रखेंगे। पहले मैंने यहाँ पे एक कटोरी रख दिया है थोड़ा बेस रहने के लिए, नहीं तो हमारा केक जल जाएगा। ये रख दिया है। इसके बाद मैंने फुल फ्लेम नहीं रखना है, आपने मीडियम फ्लेम रखना है, मीडियम हाई, और 45 मिनट्स तक आप इसको खोलेंगे नहीं। आफ्टर 45 मिनट्स, अभी 40 मिनट हो गए हैं तो हम इसको खोल के देखेंगे। इसको खोल के देखेंगे, बीच में मैं ये डाल के देखती हूँ होने का है। देखिए थोड़ा सा स्टिकी आ रहा है तो ये थोड़ा सा होने का है। अभी देखिए फिर से 10 मिनट हो गए थे तो मैंने ये खोल के देखा,
देखिए कुछ भी नहीं निकला है, उसका मतलब अंदर अच्छे से पक गया है। ये देखिए thank you.